हेलो स्टूडेंट, आज हम हिंदी का चैप्टर 6 जिसका हेडिंग है ऋतुएं। ऋतुएं, ऋतु मतलब क्या होता है? ऋतु मीन्स होती हैं जो मौसम होते हैं हमारे, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और सर्दी की ऋतु, उसे क्या कहते हैं? शीत ऋतु। तो ऋतुएं मतलब होता है जो 3 प्रकार के मौसम होते हैं हमारे। तो आज मैं आपको ऋतुओं के बारे में बताऊंगी इस चैप्टर में। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुमलाते हुए देखा। शांत भाव से खड़े वृक्ष ने, मतलब पेड़ कैसा रहता है? शांत भाव का रहता है। क्या वो आवाज़ें करता है? नहीं। शोर शराबा करता है? नहीं। शांत भाव से मतलब पेड़ शांति से खड़ा रहता है। तो शांत भाव से खड़े वृक्ष ने घास को कुमलाते हुए देखा। जो नीचे घास लगी होती है, पेड़ के नीचे देखा है ना आपने, घास लगी होती है, उसको कुमलाते हुए मतलब मुरझाते हुए देखा उसने। उसने घास से इसका कारण पूछा। तो उस पेड़ ने क्या किया? घास से इसका कारण पूछा। इतने में उसे कोई अपनी ओर आता दिखाई दिया। जब उसने कारण पूछा तो उसको अपनी ओर कोई आता दिखाई दिया, मतलब वो उससे बात कर रहा था घास से। इतने में उसे कोई, अब जैसे आप में से कोई स्टूडेंट बीमार है, मैं उससे उसका कारण पूछती हूँ। कोई टीचर है, मान लो उसे वो बच्चा बीमार लग रहा है, तो वो टीचर उससे पूछेगी कि तुम्हें क्या हुआ है, कि क्या हो गया, तुम क्यों बीमार हो। इसी तरह से वो घास मुरझा रही थी तो वो पेड़ उससे पूछ रहा था कि तुम क्यों मुरझा रही हो। और इतने में ही कोई उसे अपने पास आता हुआ दिखाई दिया। वृक्ष ने देखा कि गर्म हवा के झोंके लिए गर्मी दौड़ी आ रही है। तो वृक्ष मतलब पेड़ ने देखा कि गर्म हवा के झोंके, मतलब गर्म गर्म हवा के झोंके लिए कौन दौड़कर आ रही थी? गर्मी। उसे घास से कुमलाने का कारण पता चल गया। जब उसने देखा कि गर्म हवा के झोंके लेकर गर्मी आ रही है, तो उस पेड़ को पता पड़ गया कि घास क्यों कुमला रही है, मतलब घास क्यों मुरझा रही है। गर्मी की वजह से मुरझा रही है। गर्मी के निकट आने पर उसने पूछा, गर्मी बहन, यू कहाँ भागी जा रही हो? गर्मी जब उसके पास आई, वृक्ष के पास मतलब पेड़ के पास, तो उसने पूछा कि गर्मी बहन, तुम यहाँ ऐसे कहाँ भागी जा रही हो? वह बोली, तेज धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है, सभी तालाब सूख गए हैं, ऐसे में शरीर को कहाँ जाकर ठंडा करूँ, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। इतना कहकर गर्मी आगे चली गई। तो वो गर्मी क्या बोली उस पेड़ से कि तेज धूप से, मतलब गर्मी में क्या होती है? तेज़ धूप होती है। और हम लोग जैसे हमारी स्किन जलने लगती है, आपको पता है ना, तेज़ धूप की वजह से बर्दाश्त नहीं कर पाती हमारी स्किन, उसी तरह से वो गर्मी क्या कहती है कि तेज़ धूप से मेरा शरीर तवे की तरह जल रहा है और सभी तालाब सूख गए, गर्मी की वजह से तालाब का पानी सूख गया है, और ऐसे में शरीर को कहाँ जाकर ठंडा करूँ। तो वो कहती है कि सभी तालाब सूख गए, तेज़ गर्मी पड़ रही है, और उसमें मैं अपने शरीर को कहाँ जाकर ठंडा करूँ, मतलब ठंडक कहाँ पाऊँ, इसलिए वर्षा को खोजने जा रही हूँ। तो वो कहती है कि मैं बारिश को ढूंढने जा रही हूँ, खोजने मतलब ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर गर्मी आगे चली गई। इतनी बात की उसने पेड़ से और वो आगे चल पड़ी। वृक्ष बहुत दिनों से अपनी जड़ों की ज़रूरत अनुभव कर रहा था। अब वृक्ष मतलब पेड़ क्या कर रहा था? जड़ों की ज़रूरत को अनुभव कर रहा था, मतलब जड़ों में पानी नहीं गया था, गर्मी बहुत तेज़ हो रही थी, उसको भी बारिश की ज़रूरत थी। जड़ों को देखा है ना आपने, हम पेड़ों में पानी डालते हैं, उससे पेड़ बढ़ते हैं और ठंडक भी प्राप्त होती है। तो जो पेड़ था वो भी अपनी जड़ों में पानी की ज़रूरत को महसूस कर रहा था। कुछ दिनों बाद आकाश में काले काले बादल छा गए। अब थोड़े दिन बाद क्या हुआ? आकाश में काले बादल छा गए, मतलब जब बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है तो आपने देखा है बादल काले काले हो जाते हैं, सब लोग कहते हैं बादल छा गए मतलब पानी आने वाला है, ऐसा होने लगा। तो जोर से बिजली कड़की और पानी बरसने लगा, और बिजलियाँ भी कड़कती है बारिश के मौसम में, देखा है ना आपने, बिजली चमकती है, बच्चे डर जाते हैं उसकी आवाज़ से, बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है, वैसा ही होने लगा। और फिर क्या हुआ? पानी बरसने लगा, मतलब बारिश का मौसम आ गया, पानी बरसने लगा। घास की कुमलाहट दूर हो गई। अब जब बारिश आया तो घास हरी भरी हो गई, मतलब अच्छी खिलने लगती है घास बारिश के मौसम में। आपने देखा है बारिश के मौसम में सभी पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, जो गर्मी से सूख जाते हैं वो भी बारिश के मौसम में हरे भरे हो जाते हैं वापस। वृक्ष के पत्ते भी धुले धुले से हरे और साफ नज़र आने लगे। उस पेड़ के जो पत्ते थे वो भी हरे भरे हो गए, धुले धुले, सब मिट्टी धुल जाती है पानी से, उसकी जो गंदगी होती है, धूल मिट्टी, वो सब धुल जाती है और वो हरे हरे चमकने लगते हैं, साफ सुथरे। वृक्ष और घास ने एक दूसरे को देखा और मुस्करा दिए। तो जो पेड़ और घास थी, जो पहले मुरझा रहे थे गर्मी के मारे, वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे, क्योंकि पानी उन्हें अच्छा लग रहा था, ठंडक प्रदान कर रहा था। पानी बरसते रहने से वृक्ष के आसपास पानी एकत्र हो गया, कीचड़ भी बहुत हो गया, इतनी अधिक वर्षा से वृक्ष भी परेशान हो गया। अब पानी कंटिन्यू बरसता रहता है, जब देखा है आपने लगातार बारिश होती है तो क्या होता है, आसपास कीचड़ हो जाता है, पानी भरने लगता है, उस पेड़ के आसपास भी पानी भरने लगा और बहुत सारा कीचड़ हो गया।
अब इतनी अधिक वर्षा मतलब पानी रुक ही नहीं रहा था, तो बहुत ज़्यादा बारिश से वृक्ष भी परेशान हो गया, पेड़ भी परेशान हो गया। कुछ दिनों बाद वृक्ष ने किसी के आने की आहट सुनी। अरे यह तो वर्षा है, वर्षा बहन कहाँ भागी जा रही हो, उसने पूछा। अब कुछ दिनों बाद क्या हुआ, उसने फिर से किसी के आने की आहट सुनी। मतलब जैसे कोई हमारे पास आता तो हमें लगता है ना, एक पैरों की आवाज़ आती है तो हमें लगता है कोई आ रहा है, उसी तरह से उसने आहट सुनी तो उसने देखा ये तो वर्षा है, मतलब पानी है। उसने उससे पूछा कि वर्षा बहन तुम कहाँ भागी जा रही हो, उसने उससे पूछा कि वर्षा बहन मतलब बारिश के मौसम से पूछा कि तुम कहाँ भागी जा रही हो। वर्षा बोली, भाई वृक्ष देखते नहीं चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने का भी रास्ता नहीं है, मैं तो जाती हूँ सर्दी बहन की खोज में। इतना कहकर बौछारे छोड़ती वर्षा चली गई। अब वो पानी का मौसम, वर्षा क्या बोली कि भाई वृक्ष मतलब पेड़ भाई, वो उसको भाई बोल रही थी पेड़ को, उसने कहा तुम देखते नहीं हो पानी की वजह से चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया है, चलने का रास्ता भी नहीं है, मतलब फिसलन हो जाती है कीचड़ होता है तो, और मैं चल भी नहीं पा रही हूँ। तो वो कहती है कि मैं तो जा रही हूँ सर्दी की खोज में, बारिश के बाद कौन सा मौसम आता है, सर्दी का मौसम। तो वो कहती है कि अब मैं जाऊँगी और सर्दी को ढूंढ कर लाऊँगी, मतलब सर्दी का मौसम आने वाला है तो मैं सर्दी को ढूंढने जा रही हूँ। इतना कहकर वह बौछारें छोड़ती वर्षा चली गई। जब पानी जाने वाला रहता है तो हल्की हल्की बारिश होती है, मतलब बारिश का मौसम जाने वाला होता है तो क्या होता है, हल्की हल्की बारिश होती, बौछारें आती है, उसी तरह से वो बौछारें छोड़ती हुई सर्दी को ढूंढने चली गई। अब वृक्ष को ठंडी हवा के सुहावने झोंके लगने लगे थे। अब पेड़ को क्या हुआ था, ठंडी ठंडी हवा के झोंके लगने लगे थे और वो उसको बहुत सुहावने लग रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। कुछ दिनों तक तो वे झोंके उसे अच्छे लगे, परंतु अब वे और अधिक ठंडे हो गए। अब कुछ दिन तो उस वृक्ष को, पेड़ को वो झोंके अच्छे लगे, मतलब हल्की हल्की ठंडी हवा सबको अच्छी लगती है, मध्यम मध्यम हवा चलती है जब ठंडी, लेकिन जब वो बहुत ज़ोरदार चलती है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो सबको परेशान करती है। ठंडी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तो हम भी परेशान हो जाते हैं ना कि ठंड हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, उसी तरह से उस पेड़ को पहले तो वो अच्छी लगी ठंडी हवा, फिर उससे भी बर्दाश्त से बाहर हो गई। तो इधर चार दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए थे। हर समय आकाश में कोहरा छाया रहता है, धूप से न निकलने से ठंड और भी अधिक बढ़ गई थी। अब चार दिनों से क्या हुआ था, सूरज भी, देखा है आपने ठंड में सूरज कम निकलता है, मतलब ऐसा कोहरा सा छाया रहता है, अंधेरा सा छाया रहता है। तो वो कहता है चार दिनों से सूर्य देवता के दर्शन भी नहीं हुए, मतलब सूरज नहीं दिखा था, और हर समय आकाश में क्या था, कोहरा छाया हुआ था, धूप ना निकलने से ठंड और बढ़ गई थी। धूप निकलता है तो थोड़ी ठंड कम लगती है, धूप आ जाती है तो, और जब धूप नहीं निकली तो ठंड और बढ़ गई। समय व्यतीत होता गया, इतनी भयंकर सर्दी से सभी परेशान हो गए। अब समय और निकलता गया और जब ठंड और बढ़ गई तो सब परेशान होने लगे। पेड़ को भी अब अपनी पुरानी पत्तियां छोड़नी थी, वह भी बड़ी व्याकुलता से प्रतीक्षा कर रहा था कि कब सर्दी उस मार्ग से गुजरेगी। अब सर्दी में क्या होता है, पेड़ अपनी पत्तियां झड़ने लगती हैं पेड़ों की, तो उसको भी अपनी पुरानी पत्तियां क्या थी, झड़वना थी, मतलब छोड़नी थी। वह भी बड़ी व्याकुलता से अब वो क्या कर रहा था, बेचैन होकर सर्दी के निकलने की राह देख रहा था, मतलब प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिन सर्दी उधर से आ रही थी निकली, वृक्ष ने उसे रोकने को कहा तो वो बोली, वृक्ष भाई मेरे सभी अंग ठंड से ठिठुर रहे हैं, मैं गर्मी की खोज में जा रही हूँ, चिलचिलाती धूप ही मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। अब सर्दी उधर से निकली एक दिन, तो उसने क्या कहा कि वृक्ष ने उसको रोकने के लिए बोला कि तुम रुको सर्दी, तो वो क्या कहती है, वृक्ष भाई मेरे सभी अंग, मतलब मैं सभी अंग मतलब पूरा शरीर, सारे अंग शरीर के ठंड से क्या हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, जैसे हम लोग सर्दी में कांपते हैं ना, तो उसी तरह से वो बोल रही थी कि मेरे सारे अंग सर्दी से क्या हो रहे हैं, ठिठुर रहे हैं, कांप रहे हैं, तो मैं किसकी खोज में जा रही हूँ, गर्मी की खोज में, चिलचिलाती धूप मतलब अच्छी कड़क धूप ही मुझे इस ठंड से राहत दिलाएगी। जब हमें ज़्यादा ठंड लगती है तो हम लोग धूप में खड़े हो जाते हैं कि हमें ठंड ना लगे, थोड़ी धूप मिले, थोड़ी गर्मी मिले, तो वो सर्दी भी यही कहती है कि चिलचिलाती धूप मुझे इस ठंड से मुक्ति दिला सकती है। वृक्ष बोला, सर्दी बहन तुम ठीक कहती हो, तुम तीनों गर्मी सर्दी और वर्षा के आने और चले जाने में ही मेरी भलाई है। अब वृक्ष क्या कहता है कि सर्दी बहन तुम ठीक कहती हो, मतलब किसी एक मौसम में ही इंसान जीवित नहीं रह सकता है, या मैं पेड़ जो पेड़ में भी जान होती है आप जानते हैं ना, तो वो कहता है कि इंसानों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए और मेरे लिए भी, पेड़ पौधों के लिए भी, तीनों मौसम ही एक समान है, मतलब गर्मी सर्दी और वर्षा, किसी एक मौसम में हम जीवित नहीं रह सकते, हमारे लिए तो भलाई उसी में है कि ये तीनों मौसम अपने अपने टाइम पर आएँ और चले जाएँ। तो स्टूडेंट आपको इस जो पाठ है ऋतुएँ, जिसका हेडिंग है, उसमें ऋतुओं में वृक्ष किस संवाद पर आधारित है, मतलब वृक्ष किस किस से बातें कर रहा है, तीनों मौसम से वो बातें कर रहा है, उनकी क्या आपस में बातचीत होती है, और प्रत्येक ऋतु अपने बारे में क्या बता रही है, मतलब हर ऋतु हर मौसम अपने बारे में क्या बता रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। तो स्टूडेंट इस चैप्टर में यही बताया गया है
कि हर मौसम की अपनी अहमियत होती है, सर्दी की, गर्मी की और वर्षा की। अगर गर्मी अधिक पड़े तो भी इंसान जीवित नहीं रह सकता, सर्दी अधिक पड़े तो भी, और बारिश अधिक हो तो भी। मतलब ये तीनों अपनी समान मात्रा में, समान टाइम पर, मतलब हर मौसम अपने समय पर आए और समय पर चला जाए, उसी में इंसानों की और पेड़ पौधों की और सभी जीव जंतुओं की भलाई है। तो स्टूडेंट, आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और आपको समझ में आ गई होगी। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज मैं फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसके क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको हिंदी की कॉपी में नोट डाउन करना है। हिंदी की कॉपी में क्वेश्चन आंसर लिखने के पहले आपको शब्दार्थ लिखना है, ये या आपको याद होगा, मैं आपको बार बार इसे याद नहीं दिलाऊंगी। शब्दार्थ लिखना कंपलसरी है आपको। सबसे पहले ये देखिए, आपके चैप्टर के नीचे लास्ट में आपको शब्द ज्ञान करके हेडिंग दिया है, वो शब्दार्थ है। सब पाठ 6 डालकर उसका हेडिंग डाल के आपको पहले शब्दार्थ लिखने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर लिखने हैं, और क्वेश्चन आंसर आपको कॉपी में लिखने हैं और बुक की एक्सरसाइज आपको बुक में ही फिल करनी है। थैंक यू स्टूडेंट।